हेलो एवरीवन, वेलकम टू डाइट कुंडली। आज के इस वीडियो में मैं आपको मामा प्रोटीनेक्स प्रोटीन पाउडर का रिव्यू दूंगी। ये जो प्रोटीन पाउडर है, ये जनरली प्रेग्नेंट लेडीज और ब्रेस्ट फीडिंग लेडीज के लिए बनाया गया है। और प्रेगनेंसी के समय हमारे शरीर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि गर्भ में पल रहे बच्चे को भी प्रोटीन की ज़रूरत होती है। उसके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, हार्मोन्स के लिए प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसीलिए डॉक्टर्स जनरली प्रेगनेंसी के समय प्रोटीन पाउडर को रिकमेंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल में बताऊंगी कि मामा प्रोटीनेक्स प्रोटीन पाउडर के क्या बेनिफिट्स है, इसे कैसे लेना चाहिए, इसे किन्हें नहीं लेना चाहिए, इसकी MRP कितनी है और इसका ड्रिंक हमें किस तरीके से बनाना है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में इंफॉर्मेशन दूंगी। लेकिन इसके पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और साथ ही साथ ये हमारे इंस्टाग्राम का आईडी है, आप चाहे तो हमें यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। और ये डाइट कुंडली का ऐप है। डाइट कुंडली ऐप की मदद से आप किसी भी रेसिपी का न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आप अपने घर में कोई भी हेल्दी रेसिपी बनाइए और उस रेसिपी में आपको कितनी मात्रा में प्रोटीन मिल रहा है, वो आप डाइट कुंडली ऐप की मदद से काफ़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मेरे पास मामा प्रोटीनेक्स का प्रोटीन पाउडर, जो कि चॉकलेट फ्लेवर में है। और इसका जो वेट है, ये करीब 250 ग्राम के आसपास है। इसके अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, DHA है, साथ ही साथ इसमें विटामिंस एंड मिनरल्स भी एडिड किए हुए हैं। सो चलिए अभी हम देखते हैं मामा प्रोटीनेक्स का जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है, इसमें हमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है ये देखते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो जो न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन है वो पर 100 ग्राम के आधार पे दिया गया है और पर 25 ग्राम्स के, इस दोनों के हिसाब से दिया गया है। इसका जो सिंगल सर्विंग है वो 25 ग्राम का सर्विंग होता है। एनर्जी जो है 100 ग्राम में 360 कैलोरीज मिल रही है और 25 ग्राम में 90 कैलोरीज मिल रही है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है। प्रोटीन 100 ग्राम में 32 ग्राम मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। और सिंगल सर्विंग में यानी 25 ग्राम में करीब 8 ग्राम का प्रोटीन मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट जो है इसमें 57 ग्राम से 100 ग्राम में और 25 ग्राम में 14.3 ग्राम है। शुगर की बात करूँ तो शुगर काफ़ी ज़्यादा है, 100 ग्राम में करीब करीब 30 ग्राम के आसपास का शुगर है और 25 ग्राम में 7.5 ग्राम के आसपास का शुगर है। तो थोड़ा सा शुगर इसमें एक्चुअली ज़्यादा है। बाकी अगर मैं बात करूँ तो DHA की, तो 100 ग्राम में 80 मिलीग्राम का DHA मिल रहा है, जो कि काफ़ी कम है प्रेगनेंसी के लिए। बेसिकली बेस्ड ऑन स्टडीज़, DHA जो है प्रेग्नेंट लेडी को कम से कम 200 मिलीग्राम का DHA जो है वो अपने डाइट में ऐड करना चाहिए। सो यहाँ पर जो DHA है वो थोड़ा सा कम है, तो DHA के लिए आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके कोई सप्लीमेंट्स भी आप ले सकते हैं। फिर विटामिन ए भी है, विटामिन डी भी है, विटामिन ई है, विटामिन सी इसमें 20 मिलीग्राम के आसपास है। और अगर मैं अभी यहाँ पे बात करूँ फॉलिक एसिड की, तो फॉलिक एसिड इसमें काफ़ी अच्छा है। इस सिंगल सर्विंग में 200 माइक्रोग्राम का फॉलिक एसिड मिल रहा है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉलिक एसिड की जो रिक्वायरमेंट होती है वो करीब करीब 500 से 600 माइक्रोग्राम के आसपास होती है। तो आप एक सर्विंग अगर आप ले रहे हैं तो आपको 200 माइक्रोग्राम के आसपास का फॉलिक एसिड मिलता है, जो कि बहुत बढ़िया है। आयरन इसमें 6.8 मिलीग्राम है, काफ़ी अच्छा है। कैल्शियम की बात करूँ तो सिंगल सर्विंग में 325 मिलीग्राम का आपको कैल्शियम मिल जाएगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट भी बॉडी में बढ़ जाता है, तो कैल्शियम भी अच्छा है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो जिंक भी है इसमें, 1.1 मिलीग्राम का जिंक भी है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे जिंक की भी रिक्वायरमेंट रहती है। सेलेनियम भी है, कॉपर भी है और भी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। तो अगर मैं बोलूँ तो प्रोटीन इसमें काफ़ी अच्छा है, शुगर थोड़ा ज़्यादा है जो कि कम होना चाहिए, फॉलिक एसिड भी अच्छा है, कैल्शियम भी इसमें अच्छा है। तो बेसिकली जो प्रोटीन का जो रिक्वायरमेंट रहता है हमारे शरीर में प्रेगनेंसी के टाइम पर, जो बढ़ा हुआ रिक्वायरमेंट रहता है, उसके लिए प्रोटीनेक्स मामा प्रोटीन पाउडर काफ़ी अच्छा है। अभी हम बात करते हैं सबसे पहले कि हमें इसे कितना लेना चाहिए, कितना सर्विंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रिकमेंडेड डोसेज लिखा हुआ है, यानी कितना हमें लेना चाहिए। 1 सर्विंग 25 ग्राम्स पर डे, यानी हमें केवल 25 ग्राम का प्रोटीन पाउडर जो है वो हर दिन लेना चाहिए। बात करते हैं मामा प्रोटीनेक्स के इंग्रेडिएंट लिस्ट की। तो सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो है वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट, यानी ये सोया प्रोटीन से बना हुआ है। दूसरा इसमें सुक्रोज है यानी शुगर है, स्किम्ड मिल्क पाउडर है यानी दूध का पाउडर है, वीट फ्लार है आटा, सोया फाइबर, कोकोआ पाउडर, कॉर्नफ्लोर और अलगल ऑयल है। अलगल ऑयल जो होता है ये DHA के लिए इन्होंने ये सोर्स लिया हुआ है। माल्ट एक्सट्रैक्ट्स है, मिनरल्स डले हुए हैं। सो बेसिकली इसमें अगर मैं प्रोटीन का सोर्स बोलूँ तो वो है सोया प्रोटीन आइसोलेट। तो जिनको भी सोया प्रोटीन से परेशानी है, सोया के प्रोडक्ट्स उनको सूट नहीं करते हैं, तो उन्हें ये अवॉइड करना चाहिए। और साथ ही साथ जिनको भी शेंग दाना, पीनट या फली भी उनको एलर्जी है उससे, तो उन्हें भी इसे नहीं लेना चाहिए।
अब बात आती है कि मामा प्रोटीनेक्स का ड्रिंक बनाना कैसे है, हमें कितने चम्मच दूध में ऐड करने हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये इसका न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है। न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे लिखा हुआ है पर सर्विंग 25 ग्राम, यानी हमें मामा प्रोटीन का जो पाउडर है ये 25 ग्राम का पाउडर दूध में ऐड करके लेना है। यहाँ पे अगर आप इसके इंस्ट्रक्शंस में देखेंगे तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि हमें ड्रिंक कैसे बनाना है। उसके लिए उन्होंने बोला है कि ल्यूकवॉर्म मिल्क या फिर कोल्ड मिल्क, ये दोनों में हमें करीब 2 से लेकर 3 बड़े चम्मच मामा प्रोटीन का पाउडर उसमें ऐड करना है। तो चलिए अभी मैं आपको 25 ग्राम मामा प्रोटीन एक्स कैसे दिखता है ये बताती हूँ और आपको एक ड्रिंक भी बना के दिखाती हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये 3 चम्मच जो है ये मामा प्रोटीन पाउडर का चम्मच है। ये जो तीनों चम्मच में जो प्रोटीन पाउडर है उसका जो वेट है वो करीब 25 ग्राम के आसपास है। इसमें किसी भी चम्मच का जो वेट है वो एडेड नहीं है, सिर्फ जो मैं आपको वेट बता रही हूँ ये प्रोटीन पाउडर का ही वेट है। इन 3 चम्मच प्रोटीन पाउडर, जो मामा प्रोटीन का पाउडर है, इसमें हमें करीब करीब 7.4 ग्राम्स का शुगर मिलता है जो कि अप्रॉक्सीमेटली इतना रहता है। इसमें भी मैंने स्पून का वेट ऐड नहीं किया है, जो मैं आपको दिखा रही हूँ जो शुगर है, शुगर का ही वेट करीब 7.4 ग्राम्स के आसपास है। सो ड्रिंक बनाने के लिए क्या करना है, आपको 200 ml का दूध लेना है। मैंने यहाँ पे कोल्ड मिल्क लिया हुआ है, ठंडा दूध है, आप चाहे तो कुनकुना दूध भी ले सकते हैं। फिर इसमें आपको 3 चम्मच प्रोटीनेक्स का जो पाउडर है ये इसमें ऐड करना है। अगर आप इसमें 3 चम्मच प्रोटीनेक्स का पाउडर ऐड करेंगे तभी जाकर आपको 8 ग्राम का प्रोटीन मिलेगा और साथ ही साथ इसके अंदर जो प्रेजेंट कैल्शियम है वो मिल पाएगा, बाकी फॉलिक एसिड मिलेगा और जो एसेंशियल विटामिंस एंड मिनरल्स है वो इससे आपको सही ढंग से मिल पाएंगे। फिर हमको इसे अच्छे से मिक्स करना है, पूरे के पूरे 3 चम्मच डालने हैं। ध्यान रखिएगा कोई भी एक्स्ट्रा शुगर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है जब आप ये ड्रिंक बनाते हैं, बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा शुगर है तो अलग से आपको शुगर ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया हमारा मामा प्रोटीनेक्स ड्रिंक रेडी। इसे बिल्कुल भी स्टोर करके नहीं रखना है, इसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पीना है। और अगर मान लीजिए कि आप ये पूरा ड्रिंक एक बार में नहीं पी पा रहे हैं तब आप उस मोमेंट में 100 ml का दूध लीजिए सुबह और उसमें 1.5 चम्मच आप प्रोटीन पाउडर ऐड करिए और उसे लीजिए, और शाम को फिर से आप 100 ml का दूध लीजिए और उसमें प्रोटीन पाउडर ऐड करके फिर से आप उसे ले सकते हैं। क्योंकि दूध के अंदर भी प्रोटीन रहता है, दूध में 100 ग्राम में करीब 3 ग्राम के आसपास का प्रोटीन मिलता है और मामा प्रोटीन पाउडर में भी अच्छा प्रोटीन है। तो अगर मैं बात करूँ इस पूरे ड्रिंक में आपको कितना प्रोटीन मिल रहा है, तो 8 ग्राम का प्रोटीन पाउडर का प्रोटीन हुआ है और 200 ml मिल्क का जो प्रोटीन है ये करीब करीब 6.40 ग्राम्स के आसपास होता है। तो टोटल आपको करीब इस ड्रिंक में 14 ग्राम के आसपास का प्रोटीन मिल जाएगा। अब बात आती है सबसे ज़रूरी कि हमें रोज़ाना कितना प्रोटीन लेना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के दौरान और ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान रोज़ाना उन्हें प्रोटीन 1.1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए और प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही यानी सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट और भी बढ़ जाती है। अगर किसी महिला का वज़न 50 किलो है तो प्रेगनेंसी की शुरुआत में उन्हें 50 × 1.1 = 55 ग्राम्स की प्रोटीन की ज़रूरत रोज़ की रहती है। अब बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग के समय, जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं या ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे भी उनको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे उन्हें रोज़ाना 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर किसी महिला का वज़न 50 kg है तो 50 × 1.5 = 75 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत उनको रोज़ की रहती है। सबसे पहले तो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करने के लिए आप अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड आइटम को ऐड करिए, जैसे कि अंडा है। नॉनवेज फूड आइटम में आप अच्छी मछलियां ले सकते हैं जिसमें मर्क्यूरी ना हो, और इसके साथ ही साथ आप चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं लिमिटेड अमाउंट में। साथ में आप अपने डाइट में दाल ऐड कर सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, दूध लीजिए, पनीर लीजिए, इनके अंदर आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा। और मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसमें कि प्रोटीन रिच फूड आइटम्स के बारे में डिटेल में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, प्लीज़ चेक। अब बात करूँ अगर मैं इसके प्राइस की, तो इसका MRP जो है वो 360 रुपये के आसपास है।
अगर आप अमेज़ोन से परचेज करेंगे तो आपको इसमें थोड़ा और डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसकी जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। जिनको भी डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी में जो जेस्टेशनल डायबिटीज़ की शिकायत होती है, उन्हें ये प्रोटीन पाउडर नहीं लेना चाहिए बिकॉज इसके अंदर शुगर डाला हुआ है। उसके लिए अलग से प्रोटीनेक्स का डायबिटिक वेरिएंट आता है, अलग से प्रोटीन पाउडर आता है डायबिटीज़ वाला, तो वो आप ले सकते हैं। और किसी भी प्रोटीन पाउडर को लेने के पहले आप एक बार अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट ज़रूर कर लीजिए। डाइट कुंडली ये एक न्यूट्रिशनल ऐप है। इस ऐप की मदद से आप किसी भी रेसिपी का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सलाद लिया है, सलाद का न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन मुझे जानना था, तो उसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे सलाद में जो जो हमने इन्ग्रीडियंट को यूज़ किया है और जितने ग्राम्स का वो है, उसे हमने डाइट कुंडली ऐप में इंसर्ट किया है। जैसे मैंने यहाँ पे कैरेट लिया है, टमाटर लिया है और साथ ही साथ कुकुम्बर लिया है। इसे इंसर्ट करने के बाद जब मैं कैलकुलेट का बटन दबाती हूँ तो मुझे यहाँ पे सारा न्यूट्रिशन इन्फो मिल जाएगा, जैसे कि एनर्जी कितना है, प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट कितना है। इस तरीके से आप भी अपने घर में हेल्दी रेसिपी बनाइए और उसका न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन जान